नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुंजन। स्वागत करता हूं मेरे स्मार्ट क्लास IIST कंप्यूटर इंस्टीट्यूट गुमला में। मैं आपके लिए लेकर आते रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स। दोस्तों नॉर्मल जो सम का फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो सभी को आता होगा। जैसे मैंने यहाँ पे नीचे क्वांटिटीज का टोटल सम कर रखा है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमें कंडीशन के साथ सम करना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आप समझिए। मुझे क्या करना है, यहाँ पे सम निकालना है क्वांटिटी का बट आइटम नेम के साथ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं माउस तो यहां से जिस जिस आइटम का नेम माउस है केवल उसी की क्वांटिटी का सम जो है निकल के आए, ठीक है ना। तो ये हमें करना है। तो यहाँ पे कंडीशन है, हमें सम कराना है क्वांटिटी का बट कहां से कराना है, आइटम नेम माउस का कराना है। तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा दोस्तों डी सम फॉर्मूला। बहुत गजब का फॉर्मूला है, तो लगाते हैं दोस्तों डी सम फॉर्मूला इक्वल डी सम ब्रैकेट ओपन। अब इसमें सबसे पहले हमें देना है डेटाबेस जो कि हमारी टेबल होगी, तो कंप्लीट टेबल आपको सेलेक्ट कर देनी है कॉमा लगा के। अब कह रहा है फील्ड, मतलब आपको कौन से कॉलम में से टोटल कराना है। तो हमें अभी यहां पे क्वांटिटीज का टोटल करना है यहां से, तो हम फील्ड में अपने कॉलम की हेडिंग देंगे। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है, QTY पे कॉमा लगा के। अब कह रहा क्राइटेरिया की कंडीशन कहां आपकी, तो कंडीशन के लिए हमने ये जो ये हेडिंग है ना ये यहां लिखी हुई है, तो आपने ये यहां से लेके और नीचे वाला ब्लैंक सेल भी सिलेक्ट करना है क्योंकि यहां पे हम कंडीशन लिखेंगे, ठीक है ना। बस ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दीजिए। तो यहां पे अभी टोटल क्वांटिटीज का सम आ रहा है। यहां पे आप जो भी कंडीशन लिखोगे, मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा माउस, एंटर किया, तो माउस की जो क्वांटिटी है टोटल 12 है। आप गिन लीजिए, एक माउस यहां पे है, दो ये हो गई और दो दो चार और यहां पे नौ और यहां पे तीन 12 होगी। 12 अगर यहां पे मैं कीबोर्ड लिखता हूं तो ये अपने आप जो है कीबोर्ड की टोटल क्वांटिटी निकाल के देगा। तो इस तरह से दोस्तों हम यूज करते हैं डी सम फॉर्मूला। दोस्तों अगर हमें दो या दो से ज्यादा कंडीशन के साथ डीसम फार्मूला लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, आप देखिए। यहां मुझे दो कंडीशन चेक करनी है, एक चेक करनी है आइटम वाले कॉलम में, दूसरी चेक करनी कंपनी वाले कॉलम में। तो यहां हम लगाते हैं डीसम फार्मूला इक्वल डीसम ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हमें इसमें देना डेटाबेस, तो पूरी टेबल कर देंगे सिलेक्ट, उसके बाद कॉमा लगा के कौन से कॉलम का हमें टोटल करना है क्वांटिटी का, तो QTY सेल पे क्लिक कर दिया कॉमा लगा के। अब कह रहा क्राइटेरिया दीजिए, तो क्राइटेरिया में हम ये दोनों कंडीशन जो देंगे इन सेल्स में ये सिलेक्ट कर देंगे, एंटर कर देंगे। तो अभी आप देखोगे माउस एबीसी कंपनी के टोटल 7 है, माउस एबीसी कंपनी के दो यहां पे हैं और माउस एबीसी कंपनी के 5 यहां पे हैं, बाकी XYZ कंपनी टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। अगर मैं यहां पे XYZ कर देता हूं, एंटर करता हूं, तो इसके है टोटल 5। तो इस तरह से दोस्तों हम लगाते हैं डीसम फार्मूला दो या दो से ज्यादा कंडीशन के साथ। दोस्तों एक्सेल में डी एवरेज फार्मूला कैसे लगाएंगे, आप देखिए। इससे पहले दो वीडियोस में मैंने आपको बताया कि डी सम फार्मूला हम कैसे लगाते हैं सिंगल क्राइटेरिया के साथ और मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ, सेम उसी तरह से यहां पे डी एवरेज है। तो मैं यहां पे लगाऊंगा डी एवरेज फार्मूला जो मुझे कंडीशन के अकॉर्डिंग एवरेज निकाल के देगा। तो मैं इसमें दो कंडीशन दूंगा, आइटम में चेक करेंगे कंडीशन, कंपनी में चेक करेंगे दूसरी कंडीशन। तो इक्वल करके यहां पे लिखेंगे डी एवरेज ब्रैकेट ओपन। यहां पे सबसे पहले हमें टेबल दे देनी है, उसके बाद कॉमा लगा के यहां पे फील्ड, आपको एवरेज कहां से निकालनी है, अमाउंट वाले कॉलम से निकालनी है, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया में हम ये दोनों कंडीशन दे देंगे, एंटर कर देंगे। तो यहां पे माउस XYZ कंपनी की जो है उनके अमाउंट की जो एवरेज है वो इतनी आ रही है। अगर यहां पे आप कंडीशन चेंज करोगे माउस एबीसी कंपनी का जो है उसकी अमाउंट की एवरेज कितनी है, तो इस तरह से एवरेज आप निकाल सकते हो दोस्तों। अगर दोस्तों एक्सेल में हमें कंडीशन के साथ रिकॉर्ड्स काउंट करने हो तो इसके लिए हम लगाएंगे डी काउंट या डी काउंट ए फॉर्मूला। तो यहां आप देखिए मुझे दो कंडीशन चेक करनी है, आइटम यहां चेक करना है, कंपनी यहां चेक करनी है, फिर टोटल रिकॉर्ड कितने हैं जो हमने यहां पे क्राइटेरिया दिया है वो निकालने हैं। तो अगर यहां पे काउंट करोगे न्यूमेरिक कॉलम तो इसके लिए आपको देना होगा डी काउंट। अगर आप किसी ऐसे कॉलम में एंट्रीज काउंट कर रहे हो जिसमें अल्फाबेट नंबर मिक्स हो तो डी काउंट ए लगाना होगा। तो मैं यहां पे लगाता हूं डी काउंट फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन। यहां पे डेटाबेस में ये टेबल हम दे देंगे, कॉमा लगाएंगे और यहां पे फील्ड, तो मैं यहां किसी भी कॉलम से आप काउंट कर सकते हो, हमने लगा डी काउंट, तो न्यूमेरिक कॉलम की हेडिंग आपको देनी है, कोई भी हेडिंग आप दे दीजिए, कॉमा लगा के। क्राइटेरिया कहां है, यहां पे है क्राइटेरिया, एंटर कर दीजिए। तो माउस एबीसी कंपनी के यहां पे दो रिकॉर्ड आप ले लीजिए, माउस एबीसी कंपनी का एक एरा और माउस एबीसी कंपनी का यहां पे एक एरा। अगर मैं यहां पे XYZ कर देता हूं तो यहां पे इसके भी दो ही हैं, एक एरा यहां पे, सॉरी एक यहां पे है और एक यहां पे है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर हमें एक्सेल में कंडीशन के साथ मैक्सिमम या मिनिमम निकालना हो तो इसके लिए हम सेम डी सम डी एवरेज की तरह ही डी मैक्स या डी मिन का फॉर्मूला लगाएंगे। मुझे यहां दो कंडीशन चेक करनी है दोनों कॉलम्स में, फिर बताना है मैक्सिमम प्राइस क्या है, मिनिमम प्राइस क्या है, प्राइस का मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो यहां पे अभी मैं मैक्स निकालता हूं इक्वल करके डी मैक्स ब्रैकेट ओपन। अब इसमें डेटाबेस हम दे देंगे, टेबल पूरी कर देंगे सिलेक्ट, कॉमा करके कौन से कॉलम में से मैक्सिमम निकाला, प्राइस वाले कॉलम में से, तो प्राइस पे क्लिक कर देंगे कॉमा, क्राइटेरिया हमारा है यहां पे, एंटर कर दीजिए। तो माउस XYZ कंपनी का जो है ना उसका मैक्सिमम प्राइस जितना आप चेक करिए, माउस ये एबीसी है, माउस XYZ ये रहा यहां पे 140 है, दूसरा माउस XYZ ये रहा 180, तो मैक्सिमम निकाल दिया। अगर यहां पे आप एबीसी करोगे या इधर आप कीबोर्ड कर देते हो तो ये कीबोर्ड XYZ कंपनी का मैक्सिमम प्राइस निकाल देगा, ठीक है दोस्तों। अगर यहां पे डी मिन आप कर दोगे DMIN तो ये मिनिमम फॉर्मूला लग जाएगा और ये फिर आपको डी मिन काम करके दिखाएगा, मिनिमम वैल्यू निकाल के दिखाएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, नमस्कार।